उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह जिला कलेक्टर भदोही के सभागार में समीक्षा बैठक में असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की धारा 1 के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए असंगठित कर्मकारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए योजनाओं कर्मकार गृह आधारित कर्मकार गली में फेरी लगाने वाले मध्याह्न भोजन कर्मकार सिर पर बोझ उठाने वाले ईंट भट्टा कर्मकार मोची कूड़ा बीनने वाले घरेलू कर्मकार धोबी रिक्शा चालक ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक ऑन अकाउंट कर्मकार कृषि कर्मकार सहित अन्य व्यवसायों में कार्य कर रहे लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। पात्रता की मृत्यु पर परिवार को फायदे पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है तो उसका पति पत्नी परिवार पेंशन के रूप में इस पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त की जाने वाली पेंशन का केवल 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा तथा ऐसे पारिवारिक पेंशन केवल पति पत्नी के लिए ही प्रयोज्य होगा। सर, अभी आपने विकास भवन में समीक्षा बैठक लिया है, इसका जो है यहाँ कलेक्ट्रेट में, इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है 122 तरह के श्रमिकों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी सम्मान योजना से लाभान्वित कराना है। 60 साल से अधिक उम्र के जो हो जाएंगे उनको मिलेगा 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगा। 18 से 40 साल की उम्र तक उनको जमा करना पड़ेगा धनराशि, और वो भी बहुत न्यून मात्रा में प्रतिमाह जमा करेंगे तो उसका उनको लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। हम लोग इसीलिए कि सभी को जोड़ के ग्राम रोजगार सेवक आंगनबाड़ी आशा और जितने हमारे रिक्शा चालक ठेली ठेलिया चलाने वाले और तमाम 127 तरह के जो श्रमिक हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इसका व्यापक प्रचार प्रसार प्रधानों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ग्राम्य विकास विभाग बाल विकास एवं महिला कल्याण सभी के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं और जन जन को इसका लाभ पहुँचाएंगे, हमारा संकल्प। जी, धन्यवाद।